इवनिंग प्रेयर कर दीजिए आप, फिर सिस्टर प्रियंका और हम सभी वो प्रेयर रिपीट करेंगे। ठीक है सिस्टर, फिर शुरू करते हैं। ओके। शुरू कीजिए सिस्टम अंजू। पत्र क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके महान प्रेम के लिए पिता, आपकी कृपा, आपकी करुणा और आपकी दया के लिए जो आप हम पर बनाए रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने हम सब से, पूरी दुनिया से, संसार से इतना प्यार किया कि आपने अपने बेटे, एकलौते बेटे, अपने बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त को आपने हमारे लिए अर्पित कर दिया। आपने हम मनुष्यों के पाप का भागी अपने बेटे प्रभु यीशु को बनाया। जो सजा हमें मिलनी थी हमारे पापों के कारण, वो हमें ना देकर आपने अपने बेटे को वो सजा दे दी प्रभु। हे पिता परमेश्वर, ये आपने हम पर इतनी बड़ी करुणा की, इतनी महान दया आपने की है हम पर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए प्रभु, कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं पिता। और हे प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए अपना, अपने आप को आपने बलिदान किया, अपने आप को वो भयंकर दुख और कष्ट से, अपने आप को आपने उस भयंकर कष्ट और उस दर्द से, उस दुख से, आपने अपने को, उस दुख को आपने सहा प्रभु यीशु हमारे लिए, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु यीशु। और आपके उस दुख को सहने के द्वारा, उस कष्ट को सहने के द्वारा, और जो कोड़ों की मार से आपके शरीर पर जो घाव हुए, उन घावों के द्वारा प्रभु यीशु आपने हम मनुष्यों को, हम सबको आपने चंगाई दी। आपने जो, आप एक दुर्बल और निसहाय बनकर उस भारी क्रूस के बोझ को आपने हमारे लिए ढोया, और उसके द्वारा आपने हमें, हमारी हर कमजोरी को, दुर्बलता को आपने अपने ऊपर लिया, और हमें आपने अच्छा स्वास्थ्य दिया, आपने हमें अच्छा हेल्थ दिया है। आपके नाम से हम सब हेल्दी हैं, स्ट्रांग हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारी दुर्बलता को अपने ऊपर लिया, हर कमजोरी को आपने अपने ऊपर लिया, और आपने बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेम दिया, हमारी भलाई के लिए सब कुछ किया पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपने, हम धन्यवाद करते हैं। और हे प्रभु यीशु, आप हमारे चरवाहा हैं और हमें किसी बात की कमी नहीं है। और हे पिता, आज ये जो जीवन हम जीते हैं, ये जीवन एक एक पल, हमारी हर एक सांस से प्रभु आपकी बदौलत है। आप हमारे नींव हैं पिता, और हम, आप हमारे नींव हैं, आप हमारे आधार हैं, और हम आपके, आप जो दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं, और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। हमारी हर एक दिन की आवश्यकताओं को, हर छोटी बड़ी हर आवश्यकता को आप हमारे लिए पूरा करते हैं, आप हमारे लिए देते हैं प्रभु, हर एक दिन के लिए सब कुछ प्रभु यीशु। आप अपनी इस आशीष से हमें भरते हैं, और हमारे जीवन को, हमारे पास जो सब कुछ, सारी आशीषें हैं प्रभु, सबको आप अपना आशीर्वाद से भरते हैं हर दिन, अपने प्रेम से, अपने शक्ति और सामर्थ्य से। प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद जो आपने हमें दिया है, और इस समय हमें दूर दूर से हम सबको एक साथ जोड़ा है, और इस समय आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और हे प्रभु यीशु, आज जो आप हमें सिखाने वाले हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, उन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भी लोग हम सब जुड़े हैं, हम सब के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, हम सबके जीवन के लिए, हम सबके परिवारों के लिए, हमारे कार्यों के लिए आपका धन्यवाद, इस पूरी टीम के लिए धन्यवाद पिता, जिनके द्वारा से आज हम वचन में बढ़ रहे हैं, आपके वचन के द्वारा हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके इस महान प्रेम के लिए, और आज जो आप हमें सिखाने वाले हैं उसको हमारे लिए बिल्कुल इजी बना दीजिए, ताकि हे पवित्र आत्मा, आप जो हमें सिखाएं, हमारा ध्यान वचन में बना रहे, हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, और हम उस वचन को अच्छे
अच्छे से हम सीख पाए और अपना प्रभु यीशु के नाम आमीन आमीन स्टार्ट करें सिस्टर जी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सिस्टर, यस सिस्टर। ओके, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सिस्टर। यस सिस्टर, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाती हूँ। मैं भलाई बुराई से बाहर निकल जाती हूँ। मैं ईश्वर की हूँ और शैतान पर मैंने नियंत्रण पा लिया है। मैं ईश्वर की हूँ और शैतान पर मैंने नियंत्रण पा लिया है। जो मुझ में निवास करता है वह महान है और वह इस संसार से भी महान है। जो मुझ में निवास करता है वह महान है और वह इस संसार से भी महान है। मैं कोई भी बुराई से नहीं डरूंगी क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मैं कोई भी बुराई से नहीं डरूंगी क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु, तेरे शब्द और तेरी आत्मा मुझे चिंता से मुक्त करती है। प्रभु, तेरे शब्द आत्मा मुझे चिंता से मुक्त करती है। मैं अत्याचार से दूर हूँ और भय मेरे पास नहीं आ सकता। मैं अत्याचार से दूर हूँ और भय मेरे पास नहीं आ सकता। जो भी हथियार मेरे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल न होगा। जो भी हथियार मेरे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल न होगा। क्योंकि मेरी धार्मिकता प्रभु की है। धार्मिकता प्रभु की है। परंतु मैं जो भी करूंगी वह सफल होगा क्योंकि मैं नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह हूँ। परंतु होगा क्योंकि मैं नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह हूँ। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से मैं मुक्त की गई हूँ। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से मैं मुक्त की गई हूँ। और यह मेरे लिए ईश्वर की इच्छा है। और यह मेरे लिए ईश्वर की इच्छा है। कोई भी बुराई मुझ पर नहीं पड़ सकती और न ही कोई महामारी मेरे समीप आ सकती है। कोई भी बुराई मुझ पर नहीं पड़ सकती और न कोई महामारी मेरे समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को मुझ पर अधिकार दिया है। प्रभु ने अपने दूतों को मुझ पर अधिकार दिया है और वे मुझे मेरे मार्ग में संभालते हैं।
और वे मुझे मेरे मार्ग में संभालते हैं। मेरे पथ मार्ग में जीवन है, वहां मृत्यु नहीं है। मेरे पथ मार्ग में जीवन है, वहां मृत्यु नहीं है। मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली कर्मी हूँ। मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली कर्मी हूँ। और मैं अपने सारे कार्यों में आशीष पाती हूँ। और मैं अपने सारे कार्यों में आशीष पाती हूँ। मैं इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हूँ। मैं इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हूँ। क्योंकि मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली एक कर्मी हूँ। क्योंकि मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली एक कर्मी हूँ। मैंने विश्वास का कवच धारण किया है। मैंने विश्वास का कवच धारण किया है। दुष्ट के द्वारा मेरे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को मैं बुझा देती हूँ। दुष्ट के द्वारा मेरे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को मैं बुझा देती हूँ। क्रिस्त ने नियमों के साप से मुझको छुटकारा दिलाया है। क्रिस्त ने नियमों के शाप से मुझे छुटकारा दिलाया है। इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को मेरे शरीर में प्रवेश करने से मैं रोकती हूँ। इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को मेरे शरीर में प्रवेश करने से मैं रोकती हूँ। यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, कीटाणु, हर विषाणु जो मेरे शरीर को स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। यीशु के नाम पर हर बीमारी, कीटाणु, हर विषाणु जो मेरे शरीर को स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। हर अंग, हर टिश्यू उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है। हर अंग, हर टिश्यू उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है। जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर मेरे शरीर को नाकाम होने से मैं रोकती हूँ। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर मेरे शरीर को नाकाम होने से मैं रोकती हूँ। मैं विजय प्राप्त करती हूँ और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करती हूँ। मैं विजय प्राप्त करती हूँ और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करती हूँ। मैं ईश्वर के अधीन हूँ। मैं ईश्वर के अधीन हूँ। शैतान मुझसे बचकर भाग जाता है क्योंकि मैं यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करती हूँ। शैतान मुझसे बच कर भाग जाता है क्योंकि मैं यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करती हूँ। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है। इसलिए मैं उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करती हूँ। इसलिए
मैं उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करती हूँ। मेरी शांति महान है। मेरी शांति महान है। मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की शांति महान है। मेरे परिवार और बच्चों की शांति महान है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा मुझको और उन सबको मिली है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा मुझको और उन सबको मिली है। मैं और मेरे परिवार और मेरे बच्चे, वे सब सुरक्षित है। मैं, मेरा परिवार और मेरे बच्चे, हम सब सुरक्षित हैं। मैं, मेरे परिवार और मेरे बच्चे, वे सब धनवान हैं। मैं, मेरा परिवार और मेरे बच्चे, वे सब धनवान हैं। मैं और मेरा परिवार, मेरा बच्चे और वे सब स्वस्थ हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और वे सब स्वस्थ हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और वे सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और वे सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त हैं। मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं है। मेरे और मेरा परिवार, मेरे बच्चों के जीवन में कोई अभाव नहीं है। हेलो सिस्टर। मेरे और यस हाँ बोलिए बोलिए। मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में और मेरे बच्चों के जीवन में कोई अभाव नहीं है और कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार और बच्चों के जीवन में कोई अभाव नहीं है और कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। Praise the Lord, sisters. Praise the Lord, sisters. कल हम लोग ने इस ये इसको सीखा सिस्टर। टू किंग्स चैप्टर 6 वर्स 11 से। आराम का राजा इससे बहुत घबराया। हम लोग ने इसे पहले शुरू किया था ना। सॉरी मेरी बेटिया दीदी। हमने कहाँ से शुरू किया था? 8 से, 8 से, 8। हाँ सिस्टर मंजू, आप 8 से पढ़ेंगी। हाँ
इसमें हमने सीखा कि थोड़ा फट से रिवीजन कर लेते हैं सिस्टर फ्लोरी के जब तक जॉइन होती है तो ये बाइबल में हमने ये वर्स में हम लोग ने सीखा कि आराम का राजा इज़राइल के विरुद्ध युद्ध करने वाला था ओके और वो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं बहुत बार ही उसने ट्राई किया कि वो इज़राइल के खिलाफ जहां पर भी विरोध युद्ध करने वाला था उसे लगा कि हर हर वक्त जीत रहा है तो उसे उसे लगा कि उसकी सेना में या उसके ग्रुप में उसकी सेना में कोई तो ऐसा है जो उनका भेद इसराइलियों को बता रहा है तो वो बहुत ही डर जाता है कि सकता है एक बार दो बार लेकिन हमेशा जब भी वो ट्राई करता है वो हार जाता है तो तब जो उसका उसको उसके जो सेना में से जो है वो उसे बता देता है कि नहीं हम में से कोई भी ऐसा भेद बताने वाला कोई नहीं है यकीन मानो वो उसको यकीन दिलाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु का जो एक नबी है यानी प्रॉफिट इसराइलियों का एक नबी है जो एलिशा प्रॉफिट एलाइजा ना इंग्लिश में एलाइजा बोलते हैं एलिशा ही है ज्वाइन होंगी प्रेज द लॉर्ड गुड इवनिंग सिस्टर फ्लोरी Praise the Lord, sisters. Praise good the evening. Lord, sister. Good evening. Praise the Lord, everyone. जी sister, continue. आप कर रहे थे आप. You were sharing. No, no. I was just brushing up on yesterday. Just until you come. That's all. Okay, okay. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. I put up the same scripture. Okay, okay. Okay. Yeah, we'll study today. आज हम सीखेंगे प्रोवर्ब्स ओके चैप्टर 18 वर्स 7 Yeah, sister, can you read one of you? Sister, this one is, how do I bring this to English? Close that. See, maybe it's okay, no problem. We'll use the Hindi one. Okay. Ji, wo vachan ko padhe? मूर्ख का मुख उसका काम को बिगाड़ देता है और उसके अपने ही होठों के जाल में उसका प्राण फंस जाता है ओके
मूर्ख का मुख उसका काम को बिगाड़ देता है. ना मुख से क्या निकलता है? शब्द, करेक्ट. और ये वचन कहता है मूर्ख का मुख मतलब उसका शब्द उसका काम को बिगाड़ देता है और उसके अपने ही होठों के जाल में उसका प्राण फंस जाता है. मतलब हमारा जो होठ है जहां से हम शब्द बोलते हैं, मुंह से जो हम शब्द बोलते हैं, वो क्या है? एक जाल की तरह है. समझ में आ रहा है? इस जाल में हम चाहे अच्छे शब्द पकड़ सकते हैं जो वचन के अनुसार है, या फिर हम वो शब्द पकड़ सकते हैं जो वचन के विरुद्ध है. ना हम ये सब वचन जानते हैं कि वचन हमसे कहता है कि जीवन और मृत्यु हमारे जीभ के वश में है, राइट. हम ये भी जानते हैं कि जो हम कहते हैं वैसा ही होता है, राइट. वही हम मरकुस 11:23 में भी जीसस ने बताया, यू विल हैव व्हाट यू से. लेकिन कई बार ये सत्य जानने के बावजूद भी हम इस सत्य को अपने हृदय से फिसलने देते हैं, isn't it? Yes, sister. अगर हम सब ये जान जाए, अगर हम ये सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु मेरे जीभ के वश में है और हर वक्त हम इसका इसकी जानकारी, इसका एहसास, इसका सच्चाई में हम चलेंगे, तो हम हमेशा अपना जुबान में, अपना मुख में एक फिल्टर रखेंगे, राइट. ना कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में, प्रेशर में आकर हमारे जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो जीवन नहीं बल्कि मृत्यु लेकर आता है, और हम जानते हैं कि ये शब्द जो हमने कहा है वो वचन के अनुकूल नहीं है, वचन के साथ अग्री नहीं करता है. और फिर बोलने के बाद में हम रियलाइज करते हैं, अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना था. कोई है मेरे जैसा? डू वी से, हम बोलते, बोलने के बाद में हम पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं. नाउ सी, हमारे नजरों में हम भले इस बात की गहराई को, इस बात का सीरियसनेस को हम ना समझे, ओके, लेकिन आत्मिक रेल में, जो आत्मिक दुनिया है, वहां पे ये आत्मिक नियम के अनुसार सब काम करता है, राइट. नाउ लेट्स से गुरुत्व आकर्षण, जो क्या है? नेचुरल लॉ, राइट. अगर आप गुरुत्व आकर्षण को सीरियसली नहीं लेंगे, उसके अनुसार काम नहीं करेंगे, तो क्या वो लॉ आपके ऊपर इफेक्ट डालना छोड़ देगा? नहीं, उसका बराबर इफेक्ट रहेगा. व्हाट इज गुड, वेदर आप ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी. ओके सिस्टर, सॉरी. ओके, नो प्रॉब्लम. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? उसी तरह से जो नियम परमेश्वर ने आत्मिक रेल में स्थापित करके रखा है, सेट करके रखा है, भले हम उसको सीरियसली ले या ना ले, लेकिन जो शब्द मेरे जुबान से निकलता है वो शब्द जाकर उस लॉ को एक्टिवेट करता है. जब हमारे जुबान से शब्द निकलता है जो मृत्यु का है, जो वचन के अनुसार नहीं है, जो वचन के विरुद्ध है, वो शब्द भले ही आपने मजाक में ही क्यों ना बोला हो, भले ही आपने उसको मीन नहीं किया हो, भले आपने उसको आप जानते हो कि वो आपको बोलना नहीं है, लेकिन आपने फिर भी बोला है, एंड देन आप सोचोगे अरे मैंने ऐसे ही बोला, आई डिड नॉट मीन इट. लेकिन स्पिरिचुअल लॉ, आपने उसको मीन किया या नहीं किया, आपने किस मकसद से बोला, किस इंटेंशन से बोला, उसको वो नहीं नापेगा,
वो उस वचन उस शब्द के अनुसार ही काम करेगा जो शब्द आपने अपने जुबान से निकाला है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स व्हाई वचन हम लोगों को सिखाता है कि हमें अपना जुबान को ट्रेन करना है. ओके, अगर हम अपना शब्द को महत्व नहीं देते हैं, इफ वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट वी आर सेइंग, मतलब जो शब्द हमारे जुबान से निकल रहा है अगर हम उस पर काबू नहीं रखते हैं, अगर हम उसको कंट्रोल, अगर हम उसको फिल्टर नहीं करते हैं, तो हमें ये समझना है कि ये शब्द जो मेरे जुबान से निकल रहा है, ये जो वचन के अनुसार नहीं है, ये मेरे जीवन में मृत्यु का फल लेके आएगा. इट विल ब्रिंग दैट मेस. समझ में आया? इसलिए हमें अपने शब्दों को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही नाप तोल कर निकालना है. ओके, यहां तक समझ में आया? नाउ हम जो कुछ भी है आज, ओके, वो किसका नतीजा है? जो शब्द हमने कहे हैं. राइट नाउ सिस्टर डायना, आज जो आपका कंडीशन है, ओके, द मेडिकल कंडीशन, जो आपने कुछ साल पहले जो डॉक्टर का डायग्नोसिस मिला था, ओके, अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया होता और उसके अनुसार आपने शब्द बोले होते, तो योर कंडीशन वुड हैव बीन आउट ऑफ कंट्रोल. आपका स्थिति जो है वो बिल्कुल खराब होता. लेकिन आपने क्या किया, आपने उस वक्त अलर्ट हो गई और ये समझने लगी वचन के अनुसार कि जीवन और मृत्यु मेरे जीव के वश में है. जी. ओके, और इसलिए आपने मृत्यु को नहीं चुना, मृत्यु के शब्दों को नहीं चुना, फॉल्स रिपोर्ट को नहीं चुना, लेकिन आपने ट्रूथ, जो सच्चाई का रिपोर्ट है, जो वचन डिक्लेयर करता है, उसको आपने चुना और उसको आपने अपना शब्द बनाया. हाँ, यस सिस्टर. राइट, एंड दैट्स व्हाई टुडे यू सी यू आर कंप्लीटली डिलीवर्ड. यस, प्लीज बी टू गॉड. हाँ, यस सिस्टर. राइट, नाउ इमेजिन हम, यू नो, व्हेन इट कम्स टू सिकनेस, जब बात बीमारी ये सब की आती है, तो हम बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, राइट, ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग. लेकिन जब बात किसी और एरिया की होती है, ओके, व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है एक दूसरे के साथ बातें करना, बच्चों के साथ बातें करना, फैमिली मेंबर्स के साथ बातें करना, तो हम क्या करते हैं, हम इतना अलर्ट नहीं रहते हैं. करेक्ट, हम ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? हीलिंग, वो उस सिकनेस को, क्योंकि हम जानते हैं हम उस दर्द से गुजर रहे हैं. एंड आई कैन सी विजिबल रिजल्ट, मुझे दिख रहा है, इसलिए हम अलर्ट है. लेकिन वही चीज जब बात आती है स्पीकिंग वर्ड्स, जो हम शब्द बोलते हैं जो वचन के विरुद्ध है, भले ही वो हमारे फाइनेंशियल नीड्स के लिए क्यों ना हो, हमारा स्पिरिचुअल नीड्स के लिए क्यों ना हो, हमारा एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है उसके लिए क्यों ना हो, हम इतना अलर्ट नहीं रहते हैं. Yes, और इसी कमजोरी का शैतान फायदा उठाता है, हमारे इसी कमजोरी का वो फायदा उठाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्टली वेल. ओके, इसलिए हमें हमेशा हर वक्त अलर्ट रहना. कल हम दो वचन पढ़ रहे थे, राइट, साम्स भजन संहिता का, राइट, कि प्रभु कहता है, वो वचन बोलता है कि मैंने आपके शब्द को अपने मन में बांध के रखा है, बसा के रखा है, ताकि मैं आपके प्रति पाप के राह में न चल सकूं. हाँ. ओके, तो आज हमारा जो जिंदगी है, आज हमारे अपने जिंदगी में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वो क्या किसका रिजल्ट है? हमने जो शब्द पास्ट में बोले हैं. ओके, तो अगर आपका जीवन जो अभी इस वक्त आपके सामने खड़ा है, और अगर आपको उस जीवन को बदलना है,
आगे बढ़ना है, परमेश्वर के अनुग्रह का, उसके ग्रेस का मैनिफेस्टेशन अगर आपको अपने जीवन में और बहुतायत में देखना है, तो हमें अपने जुबान को टेम, मतलब काबू में लाना सीखना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ सिस्टर? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन किसी कारण से ये सच्चाई हमारे हृदय में उतरती नहीं है, इसलिए हम वो गलती बार बार करते हैं। Yes, sister. Okay? तो अगर हम सबको कुछ बदलना है, तो वो बदलाव सबसे पहले शुरू होता है उन शब्दों से जो मेरे जुबान से बाहर आ रहा है। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन। इन ऑर्डर टू चेंज व्हाट यू हैव, यू मस्ट चेंज व्हाट्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ। जो आपके पास है, जो आप जिसको, सिस्टर हैव यू रिटन इट इन इंग्लिश? I can write at a particular speed, praise God. Okay, in order to change what you have. Yeah. You must change. Okay. What is coming out of your mouth? Praise God. Thank you, Jesus. Yeah, have you written, Sister Dinah? Hello? Hello? Sister, can you hear me? I could not hear you a while back. No, I was writing at that time. Okay, have you written it now? लिख लिया आपने? हेलो, यस सिस्टर, या सिस्टर कैन यू रीड इट प्लीज, जो आपने इंग्लिश में लिखा है? हाँ, इन ऑर्डर टू चेंज व्हाट यू हैव, यू मस्ट चेंज व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ। ओके, इसको हिंदी में लिख लीजिए। सिस्टर नॉट रिक्वायर्ड, ओके, आई ट्रांसलेट इट, आई ट्रांसलेट इट इन हिंदी एंड दे विल राइट इट डाउन। No problem. Okay. Praise God. Okay. In order to change what you have, you must change what is coming out of your mouth. इसको हिंदी में लिखिए। अपने जीवन को, अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए, हमें सबसे पहले अपने शब्दों में बदलाव लाना है। Yes, sister. Okay? इसका मतलब हमें अपने शब्दों पर का बहुत ध्यान देना है। Okay? Now, ये जितना बोलने में आसान लगता है, उतना करने में मुश्किल है, isn't it? हाँ, of course. Right? Now, Lord हम लोगों को कभी भी, sister, कोई भी ऐसा कमांड नहीं देगा करने के लिए जो
नामुमकिन है। हाँ। ओके, हो सकता है वो मुश्किल हो, और इसलिए उस मुश्किल को आसान करने के लिए लॉर्ड हम लोगों को अपने खुद का पावर और खुद का स्ट्रेंथ में अकेला नहीं छोड़ता है, बल्कि हमें अपना अनॉइंटिंग, अपना अभिषेक देता है, अपना सामर्थ, अपना पावर और अपना एबिलिटी देता है उस कमांड को, उस इंस्ट्रक्शन को एक्शन में लाने का। करेक्ट? ओके, तो अगर हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को बदलना है, और उसको बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपने जुबान से निकलने वाले शब्दों को बदलना है, तो इसको हम एक्शन में कैसे लेके आएंगे, इसको हम कैसे शुरुआत करेंगे इसका? ओके, सबसे पहला स्टेप है कि हमें ये समझना है, इवन बिफोर आप इसको एक्शन में लेके आओ, आपको ये सबसे पहले समझना है कि ये मैं अपना खुद का नेचुरल स्ट्रेंथ, नेचुरल एबिलिटी, जो विल पावर है, मैं उससे नहीं कर सकती हूँ। Right. मैं अपने शब्दों को, मैं अपने जुबान को अपने खुद का विल पावर से, खुद का एबिलिटी से टेम नहीं कर सकती हूँ, मतलब काबू में नहीं। या सिस्टर, राइट इट डाउन। या आई कैन नॉट, or tame my tongue, right? We cannot tame our tongue by using a natural ability. We cannot tame our tongue by using a natural ability. हम अपने, इसको हिंदी में लिख लीजिए, हम अपने जुबान को काबू में, हम अपने जुबान को काबू में नहीं ला सकते जब तक हम इस कार्य को करने के लिए अपने खुद के सामर्थ, अपने खुद के सामर्थ पर निर्भर है, मतलब डिपेंडेड है। समझ में आया यहाँ तक? ओके, लेट्स इसको और स्टडी करते हैं। ओके, गो टू जेम्स, सिस्टर डायना, जेम्स चैप्टर 3, याकूब चैप्टर 3 वर्स 7 and 8, याकूब चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। Read it, Sister Diana, please. देखो, हर प्रकार के हिंसक पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले प्राणी, मनुष्य द्वारा वश में किए जा सकते हैं और किए भी गए हैं। Okay, pause. Now, what is he saying? यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो, हर प्रकार के हिंसक पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले प्राणी, मनुष्य द्वारा वश में किए जा सकते हैं और किए भी गए हैं। ओके, नाउ डू यू सी इन द 8th वर्स, 8वें वचन में, दैट 8th वर्स शुरुआत होता है एक शब्द से, जरा पढ़िए उसको। किंतु मतलब बट। किंतु आगे पढ़िए। जीव को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। किंतु जीव को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। घातक विष से भरी एक ऐसी बुराई है जो कभी चैन से नहीं रहती। ओके, किंतु जीव को
कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। नाउ यहाँ जो वचन लिखा है किंतु जीव को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर कह रहा है कि मनुष्य जीव को वश में नहीं कर सकता, वो ये कह रहा है इधर कि मनुष्य जीव को अपने खुद के द्वारा, अपने खुद के एबिलिटी, अपने खुद के सामर्थ्य के द्वारा, जो सामर्थ्य वो पशु पक्षी रेंगने वाले जीव जंतु पानी में रहने वाले प्राणी उनको जो वश में करने के लिए जो इस्तेमाल करता है, वो उस पावर से, वो उस सामर्थ्य से अपना जीव को नहीं वश में लेके आ सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, मीन जो अथॉरिटी ही यूजेस, जो पावर वो जीव जंतु को वश में लाने के लिए यूज करता है, वो अथॉरिटी अपने खुद की जीव पर नहीं चला सकता। करेक्ट, वो खुद का सेम पावर यूज नहीं कर सकता अपना खुद का जीव को वश में लाने के लिए। हाँ, okay. देखो अभी हम एक अगर मान लो सिस्टर, आपके घर में अगर एक डॉग है, ठीक है, तो आप उस डॉग को, उस कुत्ते को आप सिखा सकते हो, हाथ दो तो वो हाथ देगा, राइट, लेफ्ट हैंड दो तो वो लेफ्ट हैंड देगा, राइट पॉ दो तो वो राइट पॉ देगा, राइट, आप उसको सिखा सकते हो, आप वो टेक्निक उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप वो पावर, आप अपना विल पावर, आप अपना तरीका इस्तेमाल कर सकते हो उसको सिखाने के लिए, जी, ओके, लेकिन व्हाट अबाउट, क्या आप खुद को वो सेम टेक्निक के साथ अपने खुद पर आप अप्लाई कर सकते हो, टू टेम योर टंग, टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड ऑल द टाइम? नो, नॉट ऑन माय ओन, नो, नो, यू आर यूजिंग द, नॉट ऑन माय ओन, अपने खुद पर नहीं, द पॉइंट इज कि जो पावर आप दूसरे जीव जंतुओं को उनको ट्रेम करने में, उनको वश में करने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो सेम टेक्निक, वो सेम पावर वो आप खुद पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, सही है, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, दैट्स व्हाट ये वचन कह रहा है, किंतु जीव को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता, मतलब जीव को कोई मनुष्य अपने खुद के सामर्थ्य, अपने खुद के एबिलिटी, अपने खुद के पावर से अपने वश में नहीं कर सकता। इसको वश में लाने के लिए, इसको वश में करने के लिए परमेश्वर का बुद्धि और उसका प्रज्ञा, उसका विस्डम की जरूरत है। समझ में आया? यस यस सिस्टर। ओके, ये जो जुबान है हमारा, मनुष्य का जो जुबान है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति, एक ही सामर्थ्य से वश में लाया जा सकता है, और वो है परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का प्रज्ञा, उसका विजडम। और परमेश्वर का विजडम हम लोगों को कहाँ मिलता है? उनके वचन में। हाँ, तो परमेश्वर का विजडम हमें वचन में मिलता है। तो अब ये विजडम जो मुझे जरूरत है, ये विजडम जो मेरा मदद करता है मेरे जीव को वश में लाने के लिए, ये विजडम कहाँ है? पवित्र वचन में। और अगर मुझे विजडम यूज करना है तो मुझे क्या यूज करना है? वचन यूज करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, नाउ गो टू प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 6। पढ़िए सिस्टर। कि यहोवा ही बुद्धि देता है और उसके मुख से ही ज्ञान और समझदारी की बातें फूटती हैं। ओके, अगर हम में से किसी को भी डाउट है कि परमेश्वर के वचन में बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये वचन साफ साफ बताता है, क्योंकि यहोवा ही बुद्धि देता है और उसके मुख से ही ज्ञान और समझदारी की बातें फूटती है। तो अगर हमें अपने जुबान से,
बुद्धि के शब्द निकालने हैं, ज्ञान और समझदारी की बातें अगर निकालनी है, तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? परमेश्वर के वचन का। समझ में? Yes, ना क्या क्या जीसस ने कहा, जो मैं बातें तुमसे कह रहा हूं वो आत्मा है और जीवन है? राइट, दैट मींस उसका मतलब परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीभ को वश में ला सकता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन और कुछ नहीं। Are you understanding? समझ में आ रहा है? Now, sister, कभी हम कभी आपने ऐसे सुना है लोगों को प्रार्थना करते हुए कि पवित्र आत्मा आप मेरे जुबान का कंट्रोल ले लीजिए। Have you heard? किसी ने सुना है? Yes, sister. Holy Spirit, take control of my tongue. Sister Diana? I have heard myself saying that. I don't know about others. Sister Diana, you are the only honest person here. Because I have not heard anybody else saying that. Really. Now, I'll tell you, sister, I'll tell you what is the, why people get confused, okay? Even though वो लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरा जीप का कंट्रोल आप ले लो, ओके? और फिर भी वो लोग अपने जुबान से वो सब शब्द सुन सकते हैं बोल निकलते हुए, एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, बिकॉज ये मैं मेरा एग्जाम्पल है, ओके? दिस इज व्हाट, ये मेरा प्रेयर था, ओके? तो जब मैं स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त वचन को बाय हार्ट करने के लिए, वचन बोलने के लिए, कई बार मेरे जुबान से वर्ड्स जो वचन के विरुद्ध था वो निकल जाता था, ओके? और मैं लॉर्ड के साथ हमेशा बात करती थी, बोलती लॉर्ड ये बार बार क्यों होता है ये गलती, ओके? तो मैंने क्या किया, मैं बहुत स्मार्ट एक्ट कर रही थी और मैंने लॉर्ड को बोला, लॉर्ड एक काम करो, आप ही मेरा टंग को कंट्रोल में ले लो, ओके? व्हाई? सो दैट अगर मेरे जुबान से कुछ निकलता भी है गड़बड़, तो मैं लॉर्ड को ब्लेम कर सकूं, लॉर्ड मैंने आपको बोला था कंट्रोल लेने के लिए। अरे बाप रे, उतना तक मैं सोचा नहीं यार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या ओके, सी सिस्टर, जिस पिट से लॉर्ड ने मुझे निकाला है ना, मैं वो कभी भूल नहीं सकती। कोई हम लोग कोई भी नहीं भूल सकते भाई। ओके, एंड वो जो मेरे लिए उसने किया है, जहां से उसने मुझे उठाकर खड़ा कराया है, जहां में मुझे उसने रखा है, मैं कभी भूल नहीं सकती कि लॉर्ड ने मेरे जीवन में कितनी दफा अपना फेथफुलनेस, अपना विश्वास उसने मुझे दिखाया है। ओके, एंड उस लॉर्ड के लिए, उसके लिए जीने के लिए, उसके लिए कुर्बान हो जाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने मुझे उस वक्त इतना प्यार किया जब मुझे सभी ने रिजेक्ट कर दिया था। ओके, एंड मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ बिकॉज उस वक्त जो मैं गलतियां करती थी मुझे समझ भी नहीं आता था, लेकिन लॉर्ड ने इतना सहानुभूति मेरे साथ रखा, इतना पेशेंट रहा वो मेरे साथ, और हर कमजोरियों को नजरअंदाज करते हुए मुझे मेरे को करेक्ट करते गया अपना प्रेम में, और जब जब मैं वो गलती बार बार करती थी वो मुझे हमेशा सिखाने के लिए खड़ा रहता था, छड़ी लेकर नहीं बल्कि अपने बाहों को फैलाए हुए प्यार से। ओके, तो मेरा जो प्रार्थना उस वक्त रहता था, होली स्पिरिट को मैं बोलती थी, होली स्पिरिट आप कंट्रोल ले लो मेरा टंग का, ओके? लेकिन मैं ये चीज देखते गई कि मैं बोल तो रही हूँ होली स्पिरिट आप मेरे टंग का कंट्रोल ले लो, लेकिन मैं फिर भी
उल्टे शब्द बोल रही हूँ. ओके. एंड एक दिन लॉर्ड ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया. ओके. मैं यू नो मैं एक दिन कैब में जा रही थी कहीं. ओके. एंड कैब ड्राइवर आगे कैब ड्राइवर चला रहा था और मैं आगे बैठी हुई थी. तो एक बार लॉर्ड ने मुझसे पूछा कि अगर ये ड्राइवर तुझसे कहता है तू तू यू नो मैडम आप गाड़ी चलाओ मैं बगल में बैठता हूँ. ओके. और तुमको गाड़ी चलाने का मन भी है. ओके. तो क्या तुम वो इनविटेशन एक्सेप्ट करोगी? तो मैंने बोला लॉर्ड यकीनन एक्सेप्ट करूंगी. ओके. तो लॉर्ड ने मुझसे पूछा कि मान लो वो कैब ड्राइवर तुमसे कहता है मैडम आप गाड़ी चला लो, स्टीयरिंग व्हील का जो कंट्रोल है वो आप अपने हाथों में ले लो, लेकिन वो अपने सीट से उठता नहीं है, क्या तुम्हारे पास कंट्रोल आएगा स्टीयरिंग व्हील का? तो मैंने बोला लॉर्ड वो तो आएगा नहीं. तो लॉर्ड ने पूछा उसके लिए क्या करना होगा? तो मैंने कहा लॉर्ड उसके लिए वो ड्राइवर को अपने सीट से उतर कर मेरे सीट में आना होगा और मुझे अपने सीट से उठकर उसके सीट में बैठना होगा. तो लॉर्ड ने बोला तू मुझको बोलती है होली स्पिरिट तू कंट्रोल ले ले मेरे टंग का, लेकिन तू अपने जगह से हटती नहीं है, तू मेरे शब्द को लेती नहीं है और अपने जुबान में कंटिन्यूसली रखती नहीं है, तो मैं कैसे कंट्रोल लू? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तू वचन पढ़ रही है, नोट्स लिख रही है, मीनिंग्स लिख रही है, डेफिनेशंस लिख रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जब बात आता है कन्फेशन का तो वो वर्ड जो मैंने जो मेरा शब्द है उसको तू कितने वक्त तक अपने जुबान में रखती है? सी मेरा ये सोच था कि लॉर्ड मुझे वो शब्द बुलवाएगा. नो, लॉर्ड मुझे हम में से किसी को वो शब्द नहीं बुलवाएगा. लॉर्ड हम लोगों को एक चॉइस देता है, जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं और लॉर्ड बोलता है जीवन चुनो. वो बोल सकता है जीवन चुनो, वो मेरे लिए चुनाव नहीं कर सकता क्योंकि वो काम मेरा है. तो जब हम परमेश्वर का वचन को अपने जुबान में डालकर जब हम बोलते हैं बोलते जाते हैं, अब हमने परमेश्वर का वचन को जिसमें उसका बुद्धि उसका प्रज्ञा उसका ज्ञान छुपा हुआ है, अब हम होली स्पिरिट को वो वर्ड अपने जुबान में डाल के देते हैं और हम लॉर्ड को बोलते हैं लॉर्ड इस वचन के अनुसार मेरे शब्दों को मेरे टंग को मेरे जीभ को बदल दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो बहुत आसान है लॉर्ड को बोलना लॉर्ड आप कंट्रोल ले लो. लॉर्ड को हमने बोल दिया लॉर्ड आप कंट्रोल ले लो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम चिटचैट कर रहे हैं, इधर उधर की बातें. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई रिजल्ट्स आता नहीं है? क्योंकि जब तक हम इस वचन को अपने जुबान में डालते नहीं है, जब तक हम इसको अपने जुबान से बोलते नहीं है, कन्फेस नहीं करते हैं, तब तक यू नो हम उस व्यक्ति उस कैब ड्राइवर की तरह है जो बोल तो रहा है मैडम आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ लो संभाल लो, लेकिन अपने जगह से हट नहीं रहा. तो लॉर्ड बोलता है जब तक तुम उस वचन को अपने जुबान में डालोगी नहीं, मेरा सामर्थ्य उस वचन में मेरा सामर्थ्य जो उस वचन में है, जब तक वो तुम अपने जुबान में डालती नहीं हो, वो वचन से वो सामर्थ्य तुमको शक्ति देना शुरू नहीं करेगा. Are you following? Yes, sister. See, until and unless कोई व्यक्ति दवाई को खाता नहीं है, तब तक दवाई का असर नहीं होता है, right? Of course, हाँ. अगर वो व्यक्ति सारी दवाइयों को अपने आंखों के सामने टेबल में सजा कर देखे, उसके बारे में पूरा गूगल मार के चेक करके इंफॉर्मेशन बना के रखे
और ये सोचे कि ये दवाई से मुझे चंगाई मिल जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, विल इट वर्क? क्या वो काम करेगा? नहीं, नो, उस दवाई को असर करने के लिए मुझे उसको निगलना है, मुझे उसको खाना है, तब जाके वो दवाई अपना काम करेगा। उसी तरह से जब हम परमेश्वर का वचन को अपना जुबान में डालकर उसको बोलते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं अपने आप से, खुद से हम उसको बोलते जाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, अब उस वचन में जो सामर्थ्य छिपा है वो ठीक उस दवाई की तरह काम करता है और हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को ताकत देता है उस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए। Are you understanding? ये समझ में आ रहा है? Yes, sister. Okay, now, पहला step समझ में आया? हाँ. हमें सबसे पहले क्या करना है? ये समझना है कि हम इस जीप को अपने वश में तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर depend कर रहे हैं। Means first step is we cannot tame our tongue by using our own natural ability. Yes, yes. Okay, now, second, see, sister, sometimes, kabhi-kabhi, hum jante hai ki humne galti ki hai, lekin kai baar hum janne ke bawajood bhi hum paschataap nahi karte hai. We don't repent. We only take it as information. हम उसको सिर्फ एक जानकारी की तरह लेते, लेकिन हम परमेश्वर के सामने ये कबूल नहीं करते, परमेश्वर मैंने इस एरिया में आप पर विश्वास नहीं किया, आपके वचन पे विश्वास नहीं किया। Are you understanding? Okay, and that's what वो हमारे बीच में, you know, वो जो पश्चाताप जो हम नहीं करते हैं, हम जब repent नहीं करते हैं, तो शैतान उस वक्त का, उस सिचुएशन का वो फायदा उठाता है हमारे विरुद्ध। दैट्स व्हाई वचन बोलता है कि जब हम में से कुछ गलती हो जाती है, परमेश्वर के सामने जाकर उसको 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 कबूल करो, और परमेश्वर जो मर्सीफुल है, जो दयालु है, वो तुम्हारे हर पाप को क्षमा कर देगा। यस सिस्टर, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए, पश्चाताप का मतलब क्या होता है, अपने सोच को बदलना और वचन के अनुसार लेकर आना, तो जो व्यक्ति उस पश्चाताप को करने में डिले करता है या चूक जाता है, शैतान उसका फायदा उठाता है। Yes, sister. Okay? तो सेकंड स्टेप क्या कि हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है हर उस मोमेंट के लिए जब हमने अपने जुबान को अलाउ किया है वो सारे शब्द बोलने के लिए जो वचन के विरुद्ध है। ठीक है, उसके बाद जीसस को अपना जुबान दे दो, आप बोल दो, लॉर्ड यूज माय टंग, आई गिव इट टू यू, मैं आपको देती हूं अपना जुबान। और जब आप ये बोलते हो, उस वक्त से आप ये निर्णय ले लो कि आज से मैं जो शब्द कहूंगी वो वचन ही कहूंगी, वचन के अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि जो वर्ड्स हमारे जुबान से निकलता है, विश्वास का शब्द, वो शैतान के द्वारा भेजा गया वो हर एक खतरनाक तीर का सामना करता है, उसको रोकता है। समझ में आया? Yes, sister. Okay, second step. You got second step समझ में आया? हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ लिखा repent. Yeah, repent before God for speaking, for allowing your tongue to be used to speak words of death. Repent before God. हाँ. You write down in English. मैं इसको हिंदी में फिर बोलती हूँ. Repent before God. Okay. For allowing your tongue to speak words of death. Just read it, Sister Dinah.
words of death. Repent before God for allowing your tongue to speak words of death. Okay. इसका मतलब इसको हिंदी में लिख लीजिए, परमेश्वर के सामने हमें पश्चाताप करना है उन हर मौकों के लिए, जब परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें हर उन मौकों के लिए जब हमने अपने जुबान से वचनों के विरुद्ध बातें की है। लिख लिए सिस्टर्स? यस। ओके। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज वो है, तीसरा स्टेप क्या है? हमें वो करना है जो जीसस ने किया। ओके चलो देखते हैं जीसस ने क्या किया। गो टू मार्क चैप्टर 4। जो जीसस ने कहा मार्क चैप्टर 4 वर्स 24 में, हमें उसको करना है। थर्ड स्टेप। या रीड इट सिस्टर डायना प्लीज। फिर उसने उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे, बल्कि तुम्हारे लिए उसमें कुछ और भी जोड़ दिया जाएगा। ओके। फिर उसने उनसे कहा, नाउ ये जीसस का शब्द है। ओके। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। इसका मतलब क्या है? लॉर्ड बोलता है कि जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। इसका मतलब क्या है? जो वचन मैं अपने जुबान में डालकर उसको बोल रही हूं, लॉर्ड बोलता है वो वचन जो तुम सुन रहे हो उस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। हे आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? ओके। समझ में आया सिस्टर डायना, सिस्टर मंजू, सिस्टर निशा इज देयर? या शी डिड लॉग इन। ओके। नाउ लॉर्ड बोलता है, जीसस बोलता है कि नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब स्टेप्स हम किस चीज के लिए सीख रहे हैं? अपना टंग को, अपना जीव को परमेश्वर के वचनों के वश में लाने के लिए। हाँ। ताकि हम किसी भी मौके पर वर्ड्स ऑफ डेथ, मृत्यु के शब्द ना बोले, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जीवन भरे विश्वास के शब्द बोले, राइट? और ये थर्ड स्टेप है जो जीसस हम लोगों को बता रहा है, जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। तो जो शब्द हम अपने जुबान से परमेश्वर के वचनों को जब हम बोलते हैं, क्या हम उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं? जब हम बोलते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह का शरीर हूं, शैतान मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्या मैंने ध्यान पूर्वक उस शब्द को सुना, या फिर मैंने उसको सिर्फ जुबान से बोल दिया और मेरे मन में कुछ और पिक्चर चल रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? यस सिस्टर। जीसस बोलता है जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। सिर्फ बोलकर मत हटो, बल्कि उस पर ध्यान पूर्वक विचार करो, क्योंकि वही वचन हमारा
सहायता करता है हमारे जीव को वश में करने के लिए, और अब परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हाउ डू यू हियर द होली स्पिरिट? आप यीशु मसीह का आवाज को कैसे सुनते हो? इस वचन के द्वारा, जब आप उसको ध्यान पूर्वक विचार कर रहे हो। अब यही शब्द आपसे बातें करता है और कहता है, डरो मत, मैं सदा तेरे साथ हूं, मैंने तुम्हारे हर घटी को पूरा कर दिया है। हम बोलते हैं परमेश्वर ने हमारे सब घटी को पूरा कर दिया है, लेकिन क्या हम उस पर ध्यान पूर्वक विचार करते हैं? और इसलिए हम परमेश्वर के आवाज को हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हम बोल तो रहे हैं जुबान से उसका वचन, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है, मेरा ध्यान कहीं और है, ये सोच रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ उसको लॉर्ड कैसे करेगा, किसके थ्रू करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, और अगर नहीं किया तो मेरा प्लान भी क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, सही है। Read Ephesians chapter 5 verse 4. समझ में आ गया सब कोई को यहाँ तक? Point लिखने का है अपने को? Yeah, you write down. Third step is हमें ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को, हमें ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन पर जो हम सुनते हैं, हमें ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को जो हम सुनते हैं उस पर विचार करना, उस पर विचार करना। सिस्टर यू कैन राइट डाउन इन इंग्लिश। टेक हीड, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड दैट वी आवरसेल्फ स्पीक, इज दैट ओके? या, meditate upon the word. You can also add the word to pay attention, to take heed, to listen attentively. Listen attentively. Okay. 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 Now, just think, just socho ki जो आप जुबान से बोलते हैं, ओके, जस्ट हियर, ओके, जो आप शब्द बोलते हैं, क्या आप वाकई चाहते हैं कि वो शब्द हकीकत में बदल जाए? खास करके उस वक्त जब आप गुस्से में हैं, जब आप चिड़चिड़ाए हुए हैं, जब आप किसी के साथ नफरत कर रहे हैं, किसी को क्षमा करने से मना कर रहे, कतरा रहे हैं, प्रेम में चलने के लिए अपने आप को रोक रहे हैं, उस वक्त जो जुबान से हम शब्द निकलता है, क्या आप वाकई में सचमुच में चाहते हैं कि वो हकीकत में बदल जाए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। लेकिन अगर हम उस वचन, उस शब्द को हम बोलेंगे, भले हम नहीं चाहते कि वो हकीकत में बदल जाए, लेकिन वो शब्द ऑलरेडी स्पिरिचुअल रेल में रिलीज हो गया है और वो अपना फल लेके आ रहा है, तो वो जो नेगेटिव वर्ड्स मैंने बोला है उसका, उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे रिप्लेस करना है। उसको रिप्लेस करना है कैसे? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। ओके, रीड एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 4, एफिसी चैप्टर 5 वर्स 4। Ephesians chapter 5 verse 4. Yeah, read it, sister. तुम में ना तो अश्लील भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ना मूर्खतापूर्ण बातें या भद्दा हंसी ठट्टा, ये तुम्हारी
अनुकूल नहीं है, बल्कि तुम्हारे बीच धन्यवाद ही दिए जाए। हमारे बीच क्या होना चाहिए? थैंक्सगिविंग। हाँ, धन्यवाद ही दिए जाए। हमें अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मूर्खतापूर्ण बातें या भद्दा हंसी ठट्ठा ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है, लेकिन हमारे अनुकूल क्या है? हमारे बीच धन्यवाद ही दिए जाए, मतलब हमें उन सारे नेगेटिव वर्ड्स को रिप्लेस करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके वचनों को बोलना। ओके, अगर कोई व्यक्ति ये तीन स्टेप को समझ जाए और इसको अपने अंदर सिस्टम में डाल दे, उस व्यक्ति का जो जुबान है वो परमेश्वर के वचनों के साथ अग्रीमेंट में चलना शुरू हो जाएगा और उसके जुबान से परमेश्वर का शब्द निकलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिस्टर, टुडे अगर आज हमारा जो लेवल है, जो पहले हमने शुरुआत जो किया था, हम उस वक्त जब सत्य नहीं जानते थे तो हम हमेशा गलत बोलते थे, राइट? सिस्टर मंजू, जब हम सत्य नहीं जानते थे तो हमारे जुबान से बिल्कुल भी बिना कोई रोक टोक सारे मृत्यु के शब्द निकलते थे, करेक्ट? यस सिस्टर। ओके, लेकिन जैसे जैसे आप वचन को समझती गई और उस वचन को बोलना शुरू करती गई जानबूझकर, ये समझकर कि ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है और ये हर परिस्थिति में मेरे लिए जीवन लेके आता है, अब जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करती गई, क्या अब आपका ग्रोथ होने लगा? अब वही जुबान जो पहले अनबिलीफ, अविश्वास, डाउट, डर, दुनिया की सिखाए गए बातें बोलता था, क्या अब वही जुबान परमेश्वर के वचन को बोल रहा है, उसके अनुसार विश्वास कर रहा है? राइट नाउ आप अभी उस सिचुएशन जिस लेवल पे आप थे, अब आप उस लेवल पे नहीं है, अब आप उस लेवल से ऊपर आ गए हैं, राइट? लेकिन हम सबको उस सेम लेवल पे नहीं रहना है, हमें और ऊंचा बढ़ना है और ऊंचा जाना है। बिल्कुल, यस सिस्टर। वो तब होगा जब हम परमेश्वर के नियमों के साथ कोऑपरेट करते हैं, तब परमेश्वर हम लोगों को महिमा से महिमा में लेके जाता है। He takes us from glory to glory. Yes, sister. Okay, so वचन बोलने का जो हमें परमेश्वर हमसे कहता है कि ये जो जीभ है, ये हम मनुष्य इसको कैसे अपने वश में ला सकते हैं, कैसे परमेश्वर के शब्द के वश में ला सकते हैं, जब तक कि हम उसके वचनों को अपने जुबान में बोलते नहीं है, उसको डालकर। और तब ये वचन क्या होता है, हमारे अंदर हृदय में बैठता है, हमारे हृदय में जड़ पकड़ने लगता है, और जब प्रेशर आता है तो शैतान चाहे वो कितना भी कोशिश करे, वो मेरे जुबान से डेथ नहीं निकाल सकता। चाहे वो कितना भी सिम्टम्स दिखाए, मेरा जुबान खोलकर अब सिर्फ परमेश्वर का स्तुति निकलता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके घाव से, यीशु मसीह के चोट खाने से मेरा शरीर चंगा हो गया है। समझ में आया? यस। एनीवन कोई शेयर कुछ करना चाहता है या ऐड करना चाहता है जो आज हम सीख रहे थे? सी सिस्टर, आज जो हमने पॉइंट्स लिखा है ना, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल। यस यस एब्सोल्युटली। ओके, एंड ये जब तक हम इसको एक्शन में नहीं लेंगे, जब तक हम इसको करेंगे नहीं, हम इसका जो वर्किंग नॉलेज है, ये कैसे काम करता है, इसको हम समझेंगे नहीं। यस सिस्टर, प्रेज गॉड। यस, किसी को कुछ गवाही शेयर करना है? राइट एनी स्टेप ओ सिस्टर और लीव इट? नो, देयर आर थ्री स्टेप्स, वी कवर्ड द थ्री स्टेप्स। ओके,
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, no one, किसी को टेस्टिमनी शेयर नहीं करना है? अभी मतलब अभी तो नहीं है. ओके. प्रेज जीसस. हालेलुया. यस, वन ऑफ यू कैन से देन क्लोजिंग प्रेयर. हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे. सिस्टर प्रियंका, सिस्टर मंजू, तनिशा, धन्यवाद प्रभु यीशु. आज जो वचन आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया, सिस्टर के द्वारा सिखाया, हम धन्यवाद करते हैं. ये वचन महान है प्रभु. हे पिता परमेश्वर, दयालु प्रभु यीशु, आप इस समय हमारे बीच में उपस्थित रहे, हमारे बीच में उपस्थित हैं और आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं. और प्रभु यीशु, हम इस दुनिया में हर चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने जीव को हम वश में नहीं कर सकते. लेकिन हे पिता, आपका वचन इतना महान है जो हमारे जीव को कंट्रोल में कर सकता है और हमें मृत्यु नहीं बल्कि जीवन के शब्दों को, जो जीवन आप है प्रभु, उन शब्दों को बोलने के लिए हमारे जीव को आपका वचन हमारे जीव को कंट्रोल कर सकता है और करता है प्रभु यीशु, क्योंकि आपका वचन महान है. आप महान है प्रभु. आप प्रेममय और दयालु हैं और आप हमसे इतना प्यार करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए सब कुछ हमारे लिए सहज बनाते हैं, क्योंकि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है हमारी सहायता के लिए. आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें संभालते हैं प्रभु, और हर वक्त प्रभु आप हमेशा हम सबको अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपने सानिध्य में रखना चाहते हैं. लेकिन हे प्रभु यीशु, हम कभी कभी मुश्किल परिस्थितियों में जब हम आपसे दूर चले भी जाते हैं, जब हम गलतियां कर भी देते हैं, तब भी प्रभु आपका प्रेम हमारे लिए कम नहीं होता, बल्कि उस परिस्थिति में प्रभु आप हमसे और भी ज्यादा प्यार करते हैं प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं पिता कि हम आपसे दूर ना जाएं, और इसलिए आप अपनी बाहें फैलाकर हमेशा हम सबको प्यार करते हैं कि हम आपसे दूर ना जाएं, हमेशा आपके पास रहें, आपकी छत्र छाया में रहें. प्रभु यीशु, आपके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद पिता, कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं और हमेशा आप अपने पास हमें रखते हैं, अपनी आशीष से हमें भरते हैं, और सब कुछ जो आपने हमें दिया है प्रभु, अपना आशीर्वाद देते हैं. प्रभु आप हमारे जीवन का आधार हैं पिता, और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु. सब कुछ आपके बदौलत है प्रभु, सब कुछ. आज हम जिंदा है प्रभु आपकी कृपा, क्योंकि हम पर बनी है आपकी दया और करुणा, हम पर हमेशा है. धन्यवाद पिता आपके इस महान प्रेम के लिए. हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, और हमेशा हम सब प्रभु पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से और सारी चीजों के द्वारा हम आपकी स्तुति और महिमा करते रहें. प्रभु यीशु, हम सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं जिनको आप हमारे लिए यूज करते हैं प्रभु, वचन सिखाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा. और सिस्टर के लिए हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके कार्य के लिए. आज हम सब जितने भी लोग जुड़े हैं, वचन को हमने सीखा है, सुना है, और इस वचन के द्वारा प्रभु हम हमेशा आपकी स्तुति और महिमा करते रहें. और जितने भी लोग बाद में इस सेशन, आज के सेशन को सुनेंगे, सब लोग प्रभु, सबों के जीवन के द्वारा आपके नाम का बखान हो, सारी स्तुति महिमा आदर आपको मिले हमेशा, क्योंकि आप महान और प्रेममय प्रभु हैं और आप स्तुति के योग्य हैं पिता. आज की प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन. 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 थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू सिस्टर. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. लॉर्ड.